असलाना गाइस, मैं तैमूर, आप देख रहे हैं आखिरी ब्लॉग विद मामू जी। आज हम कढ़ाई बनाने लगे हैं और आपको भी तरीका सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। गाइस, हमने अब ऑयल डाल दिया है, अब ऑयल गर्म होगा फिर प्याज डालेंगे इसमें। हम तो कश्मीर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं आप कौन सा करते हैं जी। अब ऑयल गर्म हो गया तो अब प्याज डालने लगे हैं। मेरे ख्याल से प्याज हमने ज़्यादा डाल दी है। इसको आप वैसे ही, प्याज ब्राउन हो गए हैं, आप इसमें टमाटर, मिर्चें, अदरक, लहसुन डालने लगे, ऐड करने लगे हैं इसमें। अब हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसमें, दही भी डाल दें इसमें। अब हम इसमें काली मिर्च ऐड करने लगे हैं। डाल देना, वीडियो तो तब की चल रही थी। मस्त कर दें और पैकेट ही डाल दें वैसे सारा। अब हम इसमें गोश्त ऐड करने लगे हैं। ये अब डाल दिया गोश्त, अब इसको मिक्स करके मसाले को, गोश्त को, फिर इसको स्टीम कर दें 10 मिनट के लिए, ढक्कन रख दें ऊपर। अब इसमें कोरमा मसाला ऐड करने लगे हैं, ये देखेंगे। अब खुश्क धनिया ऐड करने लगे हैं इसमें। ये देखिए, तो गाइस हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं धनिया और सब्ज मिर्चें। वाओ, चेक करें माशाल्लाह कैसी लुक आ रही है। गाइस, ये मामू जी के घर भतीजा हुआ है, उन्होंने हमें दावत दी है। मामू जी विद कजन शेरी भाई और बॉस हमारे साथ हैं। नहीं भाई, नहीं भाई, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने कुकिंग की है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, जैसे कि आप जानते हैं, ये मेरे के हमने वीडियो अपलोड की थी, इन्हीं की शॉप है। बिल्कुल। ओके गाइस, हम आपको खा के बताते। मामू जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जफर भाई जी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको मुबारक हो। जफर भाई मुबारक हो आपको, हमारी तरफ भी देख ले आप भी देख रहे हैं, आपकी आप देख रहे हैं, कोई खिदमत भी देखिए आपको भी। सर मुबारक हो आपको अगेन अगेन, अल्लाह उसकी लंबी जिंदगी करे। आमीन आमीन आमीन, बस उनकी जिंदगी की। ओके गाइस, आप भी दुआ करें उनकी लंबी जिंदगी की, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर करें और हमारी वीडियो मुकम्मल देखें।